से यजदान बिल्डर की बिल्डिंग आज भी तोड़ी जाएगी और आज फिर बिल्डिंग तोड़ेगा लखनऊ विकास प्राधिकरण। कभी देखिए बिल्डिंग तोड़ने का काम जो है वो हुआ था और आज 11 बजे से बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी में है एलडीए। और इसी भी 36 परिवारों की जो सांसें हैं अपने फ्लैट में अटकी हुई है क्योंकि 48 फ्लैट में से 36 फ्लैट की जो रजिस्ट्री है वो हो चुकी है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और एलडीए से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगी लेकिन उससे पहले देखिए 11 बजे आज बिल्डिंग को तोड़ने का। लखनऊ विकास प्राधिकरण यजदान बिल्डर की इस बिल्डिंग को आज फिर तोड़ने की तैयारी कर रहा है और कल इस बिल्डिंग को तोड़ा गया था और उससे पहले भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी लेकिन बीच में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी जिसके बाद से बताया जा रहा था कि मौखिक रूप से बिल्डिंग को न तोड़ने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था लेकिन लिखित आदेश न होने की वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विधिक राय ली, अपने अधिवक्ताओं से बात की और उसके बाद फिर से इस बिल्डिंग को अवैध बताकर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो जाहिर है कि आज भी जो यहाँ के लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आज भी इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जाएगा और ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा। बहरहाल बिल्डिंग टूट रही है और जो 36 लोगों ने इस पूरे बिल्डिंग में रजिस्ट्रियां करा ली थी अपने फ्लैट की उनकी गाढ़ी कमाई मिट्टी में रोज़ बरोज़ मिलती जा रही है और इसके पीछे सिर्फ वजह यही है कि इस बिल्डिंग को नजूल की ज़मीन पर बना हुआ बताया गया है और इस मामले पर हाईकोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और ज़िला अधिकारी से जवाब भी तलब किया है। बहरहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण और एलडीए के बीच मुकदमेबाजी चल रही है लेकिन पिस रहा है इस बीच में आवंटी या फ्लैट जिन लोगों ने ख़रीदे हैं वो पिस रहे हैं, उनकी गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल रही है। ऐसे में अगर बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होती है, बिल्डिंग नहीं बच पाती है तो उन 36 लोगों की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई इस बिल्डिंग में लगाई है। कार्रवाई कुछ भी हो, मामलात कुछ भी बने लेकिन फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण जारी रखने की बात कर रहा है। कैमरामैन पवन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर। एसआई ने शाह नजफ और इमाम भाड़े से बोर्ड